छोटा स्टॉक है, कंपनी बड़ी है, सुजलॉन 10% ऊपर, 15 रुपए क्रॉस हो गया। यूजुअली मैं पेनी स्टॉक्स अवॉइड करता हूँ श्रीकांत, बट ये भाव पेनी है लेकिन कंपनी बड़ी है और इसमें बहुत पुख्ता रीजंस हैं कि एक डेढ़ महीने में मैनेजमेंट ने आके गाइडेंस दी, रिस्ट्रक्चरिंग की और काफी चीजें बदल रही हैं, तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। चार्ट्स क्या कहते हैं, अभी भी लेना चाहिए क्या? ऑलरेडी डबल हो चुका है 8 वाला 15। श्रीकांत अनम्यूट करें। जी, अगर इसके पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न को अगर देखते हैं हम सुजलॉन के, तो इसमें राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की सीरीज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एस्टैब्लिश हुई है और राइट्स के बाद, जैसे अभी इसने बीच में राइट्स लाए थे और उस राइट्स के बाद जो इसमें टर्न अराउंड आया है। और मैंने मोस्टली देखा है कि कंपनी जब राइट्स लाती है तो उसके कुछ फ्यूचर के कुछ प्रोजेक्शंस जो होते हैं उसमें उनको काफी हद तक काफी सारा कॉन्फिडेंस होता है और इसी वजह से वो राइट्स लेके आते हैं और मोस्टली मैंने देखा है कि वो वर्केबल रहता है। इस बार भी वो काफी अच्छा वर्क हो रहा है बिकॉज जैसे राइट्स खत्म हुए उसके बाद कई सारे ऑर्डर्स इसे मिलने लगे और अगर इसके प्राइस पैटर्न को भी देखें तो इसने काफी अच्छा वर्क निकाला 10 और 6-7 रुपए के बीच में, उसके बाद इसमें ब्रेकआउट बना है। अभी यानी कि 2013-14 में इसके कुछ 28-30 रुपए के करीब की प्राइस थी, उसके बाद इसमें लगातार गिरावट बनी थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें ये जो पैटर्न दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि ये ग्रेजुअली इन्हीं लेवल्स के करीब जाते हुए दिखेगा, वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि जल्दी सब कुछ होगा क्योंकि इट्स राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन, टाइम लगेगा लेकिन इन लेवल्स के करीब ये बिल्कुल जा सकता है। तो अगर किसी के पास अगर पोजिशन है तो इसमें बने रहे, अगर कोई किसी को नया पोजिशन अगर इसमें क्रिएट करना है तो भी वो बना सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए 12 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस रखें और पोजिशंस इसमें जोड़ सकते हैं। स्टॉक पे डिस्कस करना चाहते